तो न्यू ईयर की शुरुआत अरे ओके सो वी आर इन टू ओके सॉरी रीटेक सॉरी बोलो तुम बोलो अरे बोलो स्टार्ट हो गया है गुड मॉर्निंग तो आज है 1st January सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हम लोग जा रहे हैं अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं हम लोग जा रहे हैं अभी साई मंदिर दर्शन के लिए क्योंकि उन्हीं के दर्शन से हम साल का और दिन का शुरुआत दोनों करने वाले हैं जो हम लोग हर साल करते हैं तो इस साल भी हम जा रहे हैं मैंने न्यू ड्रेस पहना हुआ है मेरे हस्बैंड ने भी न्यू ड्रेस पहना हुआ है हैप्पी न्यू ईयर बोलो हैप्पी न्यू ईयर गाइस अभी ऑटो से उतर गए देशोप्रिय पार्क में और यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग है साईं मंदिर के लिए 1 मिनट वॉकिंग तो वहाँ जा कर के फिर दिखाती हूँ आप लोग और आप देख सकते हैं हम पहुँच गए मंदिर बाहर काफ़ी क्यू है तो अभी दर्शन हो गया है और हमें कैलेंडर भी मिला है न्यू ईयर का कैलेंडर और अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर में वहाँ पे भी जा कर के दर्शन करेंगे लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है न्यू ईयर है इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वैसे हमने आरती भी देखा और बाबा को बाबा का श्रृंगार हो रहा था वो भी देखा आरती भी देखा और उसके बाद दर्शन करके हम निकल रहे हैं अभी 10 बज चुके हैं अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर और फिर वहाँ से घर जाएंगे दिस इज द संकट मोचन मंदिर मैंने अभी प्रेयर कर लिया है तो अभी समोसा खरीद लिया है कुछ यहाँ पे दान कर देंगे यहाँ पे तो हमने साईं बाबा और संकट मोचन के दर्शन के साथ इस साल की शुरुआत की है और मेरे हस्बैंड जैसे कि आपने देखा अभी कुछ समोसा खरीद करके गए हैं यहाँ पे कुछ नीडी लोग हैं उनको देने के लिए एंड उसके बाद हम घर चले जाएंगे सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू माय एंटायर यूट्यूब फैमिली यू हैव सपोर्टेड मी अ लॉट थ्रू आउट और आगे भी आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे ऊपर एंड चलिए आज का ब्लॉग देखते रहिए एंड तक देखिएगा ज़रूर और लाइक करके जाना मत भूलिएगा सो कीप वॉचिंग तो हम अभी पहुँच गए हैं घर के पास ही हैं और मैंने जो नया कुर्ती पहना है ये मैंने यहीं पे मेला लगा था वहाँ से परचेज़ किया था हमारे इसी ग्राउंड में देख सकते हैं अभी कुछ कुर्ती है यहाँ पे पोष मेला लगा था वहाँ से मैंने ख़रीदा था मेरे हस्बैंड ने जो कुर्ता पहना है ये भी नया है तो वो मैंने विष्णुपुर से ख़रीदा था लास्ट व्लॉग मेरा विष्णुपुर का था मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया आप चाहे तो जा कर के देख सकते हैं एंड वी बोथ गिफ्टेड दीज ड्रेसेस टू ईच अदर और तो न्यू ईयर का गिफ्ट भी हो गया है छोटा सा क्यूट सा दोनों को बहुत पसंद आया है एक दूसरे का गिफ्ट एंड इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियाँ मिला करके छोटी छोटी खुशियाँ मिला करके लाइफ चलते रहती है तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है लोकल मार्केट से परचेज़ करें कोई भी आपके आसपास छोटा मोटा स्टोर हो या कुछ वहाँ से आप ख़रीदें क्योंकि उन लोगों ने अपना शॉप अगर डाला है तो आपके लिए ही डाला है तो वो आपको दिमाग में रख कर के उन्होंने डाला है कि आप उनसे चीज़ें ख़रीदें तभी उनका भी भला होगा ये कैलेंडर मिला है हमें साईं बाबा का
बहुत अच्छा कैंडल मिला है, बहुत बड़ा सा, हर साल मिलता है, हर साल हम इसे लगाते भी हैं। ये पिछले साल का है, तिल का नाड़ू मतलब तिल का लड्डू बन रहा है, मम्मी बना रही है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसीलिए, बाबू मशाई को बहुत पसंद है इसीलिए। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या है बोलो? तिल को भून के फिर उसमें गुड़ मिला, फिर उसमें गुड़ मिलाना है और उसका अच्छा सा पाक तैयार करना है। उसके बाद ये हल्का हल्का ठंडा होगा तब हम लोग लड्डू बना लेंगे। बंगाली स्पेशलिटी है और भी जगह पे मिलता ही है, ऐसा नहीं है, तो ये भी न्यू ईयर स्पेशल है कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए कहीं, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और से हाय। तो हम लोग निकले हैं प्रिंसेप घाट जाने के लिए, थोड़ा बहुत घूमना हो जाएगा, 1 जनवरी में घर पे रहने में अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए, तो आगे चल के शेयर करती हूँ बाकी फुटेज। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं प्रिंसेप घाट और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। प्रिंसेप घाट इज़ द प्लेस जहां पे हम लोग शादी के बाद पहली बार बाहर घूमने निकले थे, तो इट वॉज़ प्रिंसेप घाट दैट वी केम, सो आज फिर आकर के वही सब मेमोरीज़ ताज़ा हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड 1 जनवरी है तो और ज़्यादा स्पेशल है, और लोगों का भीड़ देख करके भी बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग भी अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस घाट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ऑनर ऑफ जेम्स प्रिंसेप, ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ दैट टाइम, तो ये 1841 या 42 के अराउंड ये बनाया गया था ये घाट, जो हुगली रिवर के बैंक पे है। अभी मैं आपको रिवर के पास भी ले जाऊँगी। And this is the हुगली ब्रिज जिससे होते हुए मैं अपने मायके जाती हूँ, दैट इज़ द रोड कनेक्टिंग, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पहले ये ओपन टू विजिटर्स था पर अभी बंद कर दिया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि लोग चीज़ों को साफ़ सुथरे तरीके से नहीं रखते हैं, गंदा कर देते हैं, इसीलिए इन्होंने अभी यहाँ पे बंद कर दिया है एंटर करना, तो मेरे हिसाब से अच्छा ही किया है। दिस इज द एंटायर प्रिंसेप घाट हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू कम एंड हैंग आउट। This is the Prinsep Ghat station. यहाँ पे ट्रेन आती है भाई क्या? नहीं पता नहीं, आती ही होगी पर अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ वैसा। हुगली रिवर में एक शिप है, उसमें पार्टी चल रही है। This is the हुगली रिवर, This is the Prinsep Ghat. डेडिकेटेड टॉयलेट्स भी है, कोई दिक्कत है नहीं, एंड प्रिंसेप घाट स्टेशन भी है यहीं पे। दिस इज द घाट, बहुत अच्छा लग रहा है घाट पे, पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, पूरा पार्टी वाला माहौल है, ऑल्दो दिस इज अ घाट। वाओ, द व्यू इज जस्ट वाओ।
हाँ हाँ चलो, हम लोग भी थोड़ा बहुत बोटिंग करने का सोच रहे हैं, सो वी विल ऑल्सो गो ऑन बोट नाउ, नौका विहार एज दे से। ऑटो को भालो करे ऑटो ना ना पोड़ बेना, चलो 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 आस्ते करे चलो ना बंद कर छी कैमरा है। ओके सो वी आर ऑन बोर्ड, लोग बैठ गए हैं बोर्ड में एंड वी बोथ विल बी रिकॉर्डिंग द एंटायर जर्नी और हम चल पड़े। वंडरफुल फीलिंग। सो वी आर नाउ अवे फ्रॉम द घाट, हम लोग रिवर के बीच में हैं एंड वाओ जस्ट वाओ, माय हब बी क्लिकिंग मी। अच्छे फोटोज आने चाहिए, ठीक है, अच्छे फोटोज आने चाहिए। तो हम लोग अभी ब्रिज के नीचे से जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी फन एंड वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज। भैया भैया बहुत मेहनत करते हैं नौके को। हाँ गाड़ी यू टर्न ले रहा है, मतलब बोट यू टर्न ले रहा है। द फीलिंग इज वंडरफुल। चल दा हाथ दी तो भय कर, करो 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 फिर से करो। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। द कॉस्ट इज 400 रुपीज फॉर वन बोट, उसमें 4 से 5 लोग मैक्स आ सकते हैं, तो हम लोग 2 लोग हैं तो 400 रुपया 200 ईच, कोई बात नहीं, बट मज़ा बहुत आया। आई रियली एंजॉयड द नौका विहार। माई हस्बैंड इज क्लिकिंग द केवैया भैया विथ द बोट, ही डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत मेहनत लगती है एक बोट को चलाने में, दे आर जस्ट सुपर्ब वर्कर्स। तो नौका विहार भी हो गया और प्रिंसेप घाट घूमना भी हो गया एंड वी एंजॉयड अ लॉट, है ना, वी एंजॉयड अ लॉट। और 1 जनवरी बहुत अच्छे से बीता है, सो व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मी सुरंजना साइनिंग ऑफ, सायोनारा, गुड लक एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।